हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। और ये व्लॉग भी मामा जी के घर का ही है। ये नाना जी का घर है जहाँ ये सब छोटे बच्चे खेल रहे हैं। जब हम छोटे थे हम भी सारे यहीं खेला करते, क्योंकि नाना जी के घर के आगे गली है, एक बहुत बड़ी बच्चे गली में, और यहाँ नाना जी के घर में खेलते थे। इन बच्चों ने खेलते देख हमने भी अपने बचपन की याद आवे। रितु में निशा सब बात कर दे रहे हैं कि यही अनु था, अनु खेल कर रहे थे, ये अनु कर रहे थे। हम सारा दिन बहुत बात कर दे रहे हैं और इनकी बार बहुत ही मन लग रहा है, क्योंकि मौसी भी है, रही निशा भी है और रितु। और यह आएगी मैं दुकान पे, क्योंकि मैंने अपना दांत ठीक करवाना था। और जो ये डॉक्टर है, ये भी मेरे मामा जी का लड़का ही है, इस पर मैं अपना दांत ठीक करवाऊँगी। दांत में दर्द तो है नहीं था, बस हल्का सा काला सो रहा था, उसमें मसाला डलवा लूँगी। और विवान बजा डोल, बजाकर फोटो ला ले। हाय हाय, आवे तेरे पे तो बजानी आवे। हां मुंह ना पाई, मुंह पीछे ले जी, मुंह बंद कर ले। गिर गया, खाई गिर गया, उठ जा उठ जा। तो अभी जिस लड़की का भी यूबा है कि छुट्टियों में घरों जाना, छुट्टियों में जाएगा कोई फायदा नहीं। जिस नाना हो जेठ माओ, खरबूजे में तरबूज मिला और शरबत मिला और सूट मिला। मौसी ने मिलेंगे साथ ने, मौसी तब दिखाऊंगी, नानी ने तो मिल गई चुन्नी। और मौसी का फिर साथ ने दिखाऊंगी चप्पल चुप्पल ले आएगी। कौन है निशा का छोरा? उठ के सुबह को आवेगी वो, हमने हम ले ला सेवा, फिर नेक्स्ट मिलेंगे। और केले तो खा भी लिए, खरबूजे इसके बाद पता नहीं कौन के खुआवेगा। नई चुन्नी मिल गई नन्नी ते, देख लो इन सही मुंह आवेगा। फोटो तो पूरा सरप्राइज। यू मैं नानी ने मार खातर नींबू पानी बनाया और के खरबूजे भी तो कवैत तो लेऊंगी। ले आ रही थी मैं खरबूजे, सच्ची दही खरबूजे खीरे तो तरबूज कवैत ही चल। खरबूज ना या मौसी खावेगी या रितु या छोटी सी मैं खा लूंगी। या भी सजा आई इतना खाना खाने के बाद, फिर मिर्च भी है। चप्पल सूट वन को थी, एक चप्पल ली आई और मौसी आए अपने सूट लेके, चप्पल लेके शॉपिंग कर आए। और मेरे मौसी पहुंच गए अपनी एकादशी वाले दिन, हो रहा बहुत दानपुण। लड़कियों की मौज हो रही और बुढ़ियाओं की मौज हो रही। और अरुणा ने दिया मौसी ते ये सब कुछ। सही, मैं बुढ़िया हूँ, घर माना मिला। वहां भी दिखाऊंगी कि देखो अरुणा ने यू स्टोर लड़ाया। बुढ़िया क्यों होंगी, मेरी मौसी कौन कह दे मेरी मौसी ने बुढ़िया। मौज होगी भाई, ये मौज अगली कादसी ने फिर आओगी, फिर आवेगी। सूट जोड़ा बर्तन चप्पल और स्टोर लड़ाया। एक बात और, मैं नानी तभी मिली आज दो चुन्नी और मौज हो रही, बुढ़िया होगी छोरियों की। और खान पीन में तो मैरी भी बोबो, जहाँ भी जावा कहीं केले मिले और कहीं ठंडे कहीं खरबूजे, कति मौज हो रही। पूरे हो गए, पूरे हो गए। नहीं नहीं, कई दिन चा पी पी का पेट जल गया था। अरे भैया देखन लग गई सूट, बाकी मैं ज्यादा दिखाती कौन जी, सासू के चल जाऊंगी वहां वाली वीडियो में दिखाऊंगी। ठीक है, चप्पल ठीक है, स्टोल ठीक है, ये परांत भी है कि गेलो ही ना बो, परांत मारी है कदी बुआ मुंह धो जा, अब परांत मारी है सारा सामान बुआ का। ई तो बबैया इन में मोसी के गुड्डो में आ गया, हम तो परांत भी लेकर जाएंगे। बैग में चाहे मेरा आइयो ना, चाहे हमने न्यारा चाहे न्यारी धर के ले जानी, पर परांत जरूर ले जाएंगे।
दो चार दिन रोटी तो पोलन दो। इतना पोलो, इतना पोलो फिर ले जाएंगे। सही है। और क्या? और ये है मेरी फ्रेंड का लड़का। मेरी फ्रेंड आ रही थी तो मैं उसके लड़के ने भी देखने चली गई और अभी ये सो रहा है।